बिहार की राजनीति में पवन सिंह आंधी बनकर आए और सब कुछ तहस नहस कर गए, कईयों के किले ढहा दिए। लेकिन अब पवन सिंह खुद का साम्राज्य तैयार कर रहे हैं, पार्टी का नाम भी रिवील हो चुका है, सर्व समाज पार्टी। सोच लीजिए कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं पवन सिंह। अगर ये तैयारी है तो ऐसे तो नहीं होगी। उत्तर भारत की ऐसी अभी तक परंपरा नहीं रही है जब कोई इस प्रकार का कोई स्टार जो है वो सफल हो। नंबर वन, एक 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 हाइप क्रिएट करना, ठीक है, एक हाइप क्रिएट करके आप भीड़ जुटा लेंगे आप, ठीक है, वोट भी काट लेंगे लेकिन चुनाव थोड़े जीत पाएंगे आप। अच्छा सर, अब 2025 में भी अगर पवन सिंह रुके नहीं, थमे नहीं, तो फिर से कोई ऐसा तूफान ना लेकर आए जो बीजेपी के लिए आफत बन जाए। बीजेपी बिहार की राजनीति में पवन सिंह आंधी बनकर आए और सब कुछ तहस नहस कर गए, कईयों के किले ढहा दिए। लेकिन अब पवन सिंह खुद का साम्राज्य तैयार कर रहे हैं। जी हां, पवन सिंह अब अपना खुद का राजनीतिक दल बनाने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि पवन सिंह जिस कोशिश में लगे हैं, जो उनका टारगेट है बिहार का विधानसभा चुनाव, कितने सफल हो सकते हैं पवन सिंह? अभी तक उनकी जो राजनीति रही है उसके बारे में समझेंगे और उनका भविष्य क्या होगा सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस वक्त चर्चा में हमारे साथ राजनीति के विश्लेषक प्रदीप सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, आपने सबसे पहले देखा होगा कि काराकाट लोकसभा ने बिहार की जो सभी लोकसभा है उनमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं व्यूज बटोरे, लोगों का ध्यान खींचा। अब काराकाट नहीं, पूरा पूरा बिहार पवन सिंह की तरफ देख रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब पवन सिंह की जो तैयारी है, आप पहले ये बताइए कि पवन सिंह एक राजनेता के रूप में आपको लगता है कि भोजपुरी सुपरस्टार से आगे बढ़कर वो नेता के रूप में भी सुपरस्टार बन पाएंगे? क्या होगी उनकी राजनीति? देखिए, ऐसा है अर्पिता कि ये तो भविष्य के गर्भ में है कि पवन सिंह कितने बेहतर राजनेता साबित होंगे, ठीक है, लेकिन मैं एक व्यक्ति के रूप में उनका मूल्यांकन कर सकता हूँ? नहीं, अभी तो एक राजनेता के रूप में वो कितने सफल होंगे, किस प्रकार की भूमिका होगी उनकी, इस बारे में एक अनुमान लगाना मेरे लिए तो असंभव है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम देश भर की बात करें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि MG रामचंद्रन रहे हो तमिलनाडु में, या फिर NT रामा राव आंध्र प्रदेश में, ये लोग सफल राजनेता भी हुए। मैंने लेकिन अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में बहुत सफल थे, नहीं मुंबई में बॉलीवुड में बहुत ही सफल रहे हिंदी फिल्मों में, लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में असफल रहे। नहीं, सुनील दत्त को कह सकती है थोड़ी बहुत सफलता मिली, नहीं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा फ्लॉप रहे, ठीक है। मैं कई ऐसे लोग है, गोविंदा की बात कर लीजिए, राजेश खन्ना की बात कर लीजिए, कई लोग है, अभिनेत्रियां कही रही है, ठीक है, हेमा मालिनी है, 3 बार से लगातार सांसद है, लेकिन जयललिता तमिलनाडु में मुख्यमंत्री भी रही, ठीक है। लेकिन बिहार को अगर देखें अगर हम, तो बिहार का या उत्तर प्रदेश का जो हिंदी हॉटलैंड है उसमें ये आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इस प्रकार की फिल्मी हस्ती आकर यहाँ की जनता के दिलों पर राज करे। नंबर वन, सर पवन सिंह के बारे में थोड़ा सा ये बताना आपको जरूर चाहेंगे कि पवन सिंह चुनाव काराकाट से हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव हारने के बाद पार्टी बनाना, और ना सिर्फ पार्टी बना रहे हैं, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसी खबरें हम तक आई हैं कि वो सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, पार्टी का नाम भी रिवील हो चुका है, सर्व समाज पार्टी। सोच लीजिए कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं पवन सिंह। अगर ये तैयारी है तो ऐसे तो नहीं होगी। नहीं, मैं वही बात बताने का प्रयास करूं। पहले सबसे पहला चीज है, देखिए कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब बात समझने के लिए थोड़ा सा आपको परिप्रेक्ष्य समझना होगा, परिदृश्य समझना होगा। तो मैंने पहले बताया, उत्तर भारत की ऐसी अभी तक परंपरा नहीं रही है जब कोई इस प्रकार का कोई स्टार जो है वो सफल हो। नंबर वन। नंबर टू, पवन सिंह क्या है? भोजपुरी के गायक है, और कैसी गाना गाते हैं वो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अश्लील गाने गाते हैं, सभी उनके बारे में यही बोलते हैं। हाँ, ठीक है, उनके गानों में या उन जैसे कई स्टार और भी हैं जो उनके जैसा ही गाते हैं। वही बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक व्यक्ति का मूल्यांकन, देखिए एक सबसे पहला चीज है कि एक अच्छा इंसान ही अच्छा बाप बन सकता है, अच्छा बेटा बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है, ठीक है। जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अश्लील गाना, देखिए अब आसनसोल में बीजेपी ने टिकट क्यों काटा उनका, इसलिए कि बंगाली महिलाओं के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिससे बीजेपी को लगा कि यार ये तो हमको पूरा बंगाल में एक सीट जितने जाकर नहीं छोड़ेगा,
बस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अश्लीलता का चलिए एक एक कारण हो सकता है, लेकिन जनता तो आजकल की अलग, आप देखिए जनता तो वोट देती, ढाई दो ढाई लाख वोट अगर पवन सिंह को काराकाट लोकसभा में दे दिया, मतलब कि पहली बार चुनाव में कहीं ना कहीं वो दो ढाई लाख लोग पसंद कर रहे हैं पवन सिंह को, उस अश्लीलता के बावजूद पसंद कर रहे हैं पवन सिंह को, तो आप देखिए कि खुद तो नहीं जीते, कईयों को हरा तो गए ना पवन सिंह। देखिए ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे देश में जब लोगों ने भावना में बहकर कई बार गलत फैसला भी लिया है, ठीक है, हर बार सही फैसला थोड़े करता है लोग, कई बार हो जाती है, जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी लोगों से गलतियां होती है तो मतदाताओं से भी कई बार गलतियां हो जाती है, लोगों ने वोट दे दिया भावना में बहकर, इसका मतलब ये थोड़े है कि उन लोगों ने सोच समझ के वोट दिया। मैं एक व्यक्ति का मूल्यांकन, आपने मुझसे आपका सवाल क्या था कि पवन सिंह एक राजनीतिक दल का गठन करके बिहार के हर विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए मतलब वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, तो आप जब बात कर रही है कि पवन सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो फिर उस व्यक्ति का मूल्यांकन अलग होगा, नहीं तो उस पैरामीटर पे मैं कस रहा हूं कि जब देखिए कि लालू प्रसाद यादव जब भ्रष्टाचार का चारा घोटाला में जब एक बार वो कन्विक्टेड हो गए, जब सजा सुना दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब से एक भी चुनाव जीते हैं क्या, बताइए आप? जनता ने नकार दिया, लेकिन तो मैं कह रहा हूं उन लालू प्रसाद के पास सबसे बड़ा बेस वोट है बिहार में, यादव और मुसलमान का लगभग 30% का, फिर भी लालू प्रसाद या लालू प्रसाद की पार्टी कोई चुनाव ऐसा हुआ जो अकेले अपने बल पे जीत जाए, क्यों? क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं मान लिया कि चोर है पार्टी, चारा घोटाला हुआ है, कि लालू यादव दागी हो गए, मतलब जेल गए, किस चीज में जेल गए, चारा घोटाला में जेल गए, भ्रष्टाचार में गए, ठीक है, लेकिन पवन सिंह कितना गिरा हुआ गाना गाता है ये आप नहीं समझ रही है, तो गिरी हुई गिरा हुआ गाना कौन व्यक्ति गाएगा, किस लिए गिरा हुआ गाना, असली गाना क्यों गाता है कोई व्यक्ति, बताइए, केवल पैसे कमाने के लिए ना, या और कोई मकसद है? नहीं, पैसे ही कमाने के लिए, लाखों करोड़ों व्यूज के लिए। मतलब है कि पैसा कमाने के लिए जो व्यक्ति महिलाओं को अपमानित कर सकता है, महिलाओं के बारे में अश्लील गाना गा सकता है, और ऐसा गाना जो कि परिवार के साथ बैठकर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वो व्यक्ति आप क्या, वो राजनीति किस तरह की करेगा? और मन लगाइए, पवन सिंह अपनी पत्नी को भी ला रहे हैं, वही पत्नी जिनके साथ बड़ा विवाद था ज्योति सिंह के साथ। पवन सिंह के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अच्छा, ठीक है, पवन सिंह के पीछे इस बार भी चुनाव में बहुत बड़े बड़े लोग थे, पवन सिंह जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, पवन सिंह हरवाने के लिए लड़ रहे थे, पवन सिंह कई सीटों पर, केवल काराकाट ही नहीं बल्कि कई सीटों पर बीजेपी या एनडीए को हरवाने के लिए लड़ रहे थे, उसका मैं उदाहरण बता रहा हूं। देखिए पवन हुआ क्या, पवन सिंह के कारण जो है कई सीटों पे राजपूतों ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, तो कुशवाहा ने बदले में राजपूत जाति के एनडीए के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, हुआ, ठीक है, और इस कारण से केवल एनडीए जो है 5 सीट हार गई बिहार में, एनडीए हारी आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, ठीक है, तो ये सभी सीटें जो है केवल और केवल, इवन उतना ही नहीं बल्कि पाटलिपुत्रा में भी ऐसा हुआ, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर भी जो है न कुशवाहा ने और राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया, इसी लड़ाई के कारण, और ये लड़ाई लगवाने वाले कौन थे बिहार में, चूंकि दोनों के दोनों लगातार 3-4 चुनावों से, चाहे वो राजपूत हो चाहे कुशवाहा हो, वो एनडीए के वोटर है, और एनडीए के वोटर को आपस में लड़वाने वाले कौन है, जनता को सब पता है कि कई बार जनता से भी गलती हो जाती है, काराकाट में लोगों ने गलती किया है, मैं तो बता रहा हूं, काराकाट में लोगों ने गलती किया तो परिणाम क्या निकला, पवन सिंह थोड़ी जीत जाएगा, उसे वही जो 2-2.5 लाख वोट उधर गया वो इधर आ सकता था। हाँ, युवाओं में उत्तेजना फैलाकर बहकाकर, ठीक है, एक 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 प्रकार का, मैंने जिसे हम कहते हैं ना कि मैंने जिसको आप क्या कह सकती हैं, माइंड डाइवर्ट करना, हाँ नहीं, एक 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 हाइप क्रिएट करना, ठीक है, एक हाइप क्रिएट करके आप भीड़ जुटा लेंगे आप, ठीक है, वोट भी काट लेंगे लेकिन चुनाव थोड़े जीत पाएंगे आप। अच्छा सर, मान लेते हैं कि ठीक है पवन सिंह एक बड़े राजनेता के रूप में अपने आप को नहीं, अभी देखकर लगता कि नहीं साबित कर पाएंगे, लेकिन अगर वोट भी काट रहे हैं
किसी को चुनाव भी हरवा रही हैं, तो टेंशन तो होनी चाहिए ना बीजेपी वालों को, अन्य दलों को। होगा ही, बीजेपी को तो होगा ही टेंशन, बीजेपी तो होगी ही तनाव में कि कैसे इसका विकल्प निकाले हम, ठीक है। लेकिन इतना तय है कि पवन सिंह खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी एनडीए को हरवाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पवन सिंह को खुद राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है, उनके पीछे कोई लगा है तो है ही भाई, शौक कैसे नहीं रहेगा। अगर आज वो जिसकी मदद कर रहे हैं कल वो उनकी मदद करेगा, खेल खत्म है। और खेल सारा पैसे का, केवल पैसा ही नहीं, पैसा पावर, पैसा और पावर दोनों है, पैसा और पावर दोनों है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर पवन सिंह नया दल बना रहे हैं, और जिस तरह से देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में पवन सिंह बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, और देखिए असर ये हुआ कि काफी नुकसान पहुंचा गए पवन सिंह बीजेपी को खास तौर पर। अब 2025 में भी अगर पवन सिंह रुके नहीं, थमे नहीं, तो फिर से कोई ऐसा तूफान ना लेकर आए जो बीजेपी के लिए आफत बन जाए। बीजेपी जरूर ऐसी तैयारी कर रही होगी कि पवन को थोड़ा ठहराव दिया जाए। देखते हैं बीजेपी क्या कदम उठाएगी, और पवन सिंह वाकई में दल बनाएंगे या सिर्फ अभी ये एक दबाव या प्रेशर पॉलिटिक्स है। चैनल में कमेंट में अपनी बातें जरूर रखिए, और पवन सिंह की पॉलिटिक्स को लेकर अगर आप भी कुछ सोचते हैं तो जरूर लिखिए। नमस्कार।